अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजर इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें जी। तो आज हमने पढ़ना है कि मेजर इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का ये फर्स्ट जो है वो लेक्चर है, ठीक है। तो इकोसिस्टम्स हमने पढ़ने हैं कि दुनिया में जो मेजर इकोसिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी टाइप्स कौन कौन सी है। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से हैं। अब ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि इसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम आगे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट टाइप्स इकोसिस्टम की वो कौन कौन सी हैं। All ecosystem, whether a pond, lake, desert, forest, etc., have more or less familiar fundamental plan of their gross structure and function. अब यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में हमें इकोसिस्टम्स बताए हुए हैं कौन कौन से हैं। पॉन्ड भी है, लेक, डिज़र्ट, फॉरेस्ट, ठीक है, ये सारी जो हैं वो टाइप्स हैं इकोसिस्टम्स की। हाउएवर दे डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर स्पीशीज कंपोजिशन एंड रेट्स इन प्रोडक्शन। बट इन सारी चीज़ों में जो डिफरेंस मेन आता है वो उनकी स्पीशीज़ का आता है, ठीक है, कि स्पीशीज़ की जो कंपोजिशन है वो कैसी हुई है या उनका प्रोडक्शन रेट जो है, ठीक है, पैदावार का जो रेट है वो क्या है। तो इस बेस पे जो है वो इनको जो है इकोसिस्टम्स को हम जो है वो क्लासिफाई करते हैं या डिफरेंस करते हैं इन सब में। फॉलोइंग इज़ द जनरल अकाउंट ऑफ फ्यू सिलेक्टेड इकोसिस्टम्स। तो आगे अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इकोसिस्टम्स हमारे पास हैं डिटेल्स में। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। फ्रेश वाटर, जैसे कि आप लोग सब भी जानते हैं इसको, कि जो हमारा पीने के लिए पानी होता है, इस्तेमाल के लिए पानी होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है। काबिले इस्तेमाल जितना भी पानी है हमारे पास वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। और फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही कम जो है वो पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें बताया गया कि ओनली 1%, ठीक है। द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स ऑक्यूपाई अ रिलेटिवली वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ सर्फेस, ठीक है। तो जो वर्ल्ड है उसका बहुत ही कम जो हिस्सा है उसमें फ्रेश वाटर पाया जाता है, ठीक है। आप समझ लें कि जैसे 100% हमारे पास वाटर है, तो उसमें से 70 to 80% जो है वो कंटेमिनेटेड है, ठीक है, जो कि गंदा पानी जिसको आप बोलते हैं, यूज़फुल नहीं है इंसानों के लिए। तो जो फ्रेश वाटर है जो कि हम पीने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो वो 1% है सिर्फ। कंपेयर्ड विद मराइन एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो मराइन में कितना पाया जाता है, 70%, ठीक है। मराइन तो आप लोगों को पता होगा कौन सा होता है, जो कि लेक्स वगैरह में पानी होता है, ठीक है। तो उसमें जो है वो नमकियात ज़्यादा होती हैं, सॉल्ट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, और पानी वो जो है होता है पीने का काबिल नहीं होता। बट द इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन इज़ फार ग्रेटर दैन द एरिया फॉर द फॉलोइंग रीज़न। उन्होंने कहा हुआ है कि ये फॉलोइंग कुछ रीज़न्स है जिनकी वजह से जो है वो इनका एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और फ्रेश वाटर जो है वो कम पाया जाता है। अब उन्होंने एक एग्जांपल के ये समझाया हुआ है कि कितने कितने परसेंट हमारे पास यहाँ पे वाटर पाया जाता है। दे आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द वाटर फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़। तो उन्होंने कहा हुआ है कि देखिए कन्वीनियंट क्या होता है, कि ईजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, चीपेस्ट सोर्स है वाटर का, इसके लिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पज़ में हम जो है वो पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फ्रेश वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज़ द बॉटल नेक इन वाटर साइकिल। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पर एक बॉटल है, ठीक है, जैसे कोई भी बॉटल आप लोग ले लें, उसकी एक नेक होती है, ठीक है। तो नेक में जितना ये ऊपर अपर पोर्शन है जो नेक है, तो इसमें जितना पानी आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि ये इतना सा पानी जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है। उसके अलावा बाकी ये जितना भी यहाँ पे पानी है, तो वो हमारे पास कौन सा है, कंटेमिनेटेड है, मराइन हो सकता है, टेरेस्ट्रियल कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट यूज़फुल नहीं है वो। फ्रेश वाटर हमारे पास कितना है, जितना कि ये बोटल नेक में आ सकता है, ठीक है, पानी। तो आगे उन्होंने कहा हुआ है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज़ द बोटल नेक इन वाटर साइकिल। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम अलॉन्ग विद स्टोरीज प्रोवाइड द मोस्ट कन्वीनियंट एंड द चीपेस्ट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। कि वेस्ट डिस्पोजल में हम जो है वो इसको बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, ठीक है, इस वजह से हमारे पास इसकी जो अमाउंट है वो कम होती जा रही है दिन ब दिन। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटीज़ आर लोकेटेड ऑन लार्ज रिवर्स, लेक्स आर इस्टरीज दैट सर्व एज फ्री सेवर्स।
तो उन्होंने कहा हुआ है कि जो लार्जेस्ट सिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि लार्ज रिवर्स या लेक्स वगैरह के इर्द गिर्द जो है वो होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है कि इकोसिस्टम कितने होते हैं, मेजर टाइप्स हमने पढ़ी हैं, ठीक है। उसके अंदर मराइन आ जाता है, टेरेस्ट्रियल आ जाता है, फ्रेश वाटर आ जाता है, उसके अलावा पोन्स की कितनी इकसाम होती है, पोन लेक वगैरह, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट जो इकोसिस्टम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।